खबर हनुमानगढ़ से है, जहां फेफाना गांव में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शिरकत की। फेफाना में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। देश में प्रजातंत्र खतरे में है, भय का वातावरण बना हुआ है। देश की संवैधानिक संस्था का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचा ने की। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि रुपया निरंतर गिर रहा है, महंगाई सातवें आसमान पर है। देश में अडानी और अंबानी का राज है, पूंजीपति देश में हावी हो रहे हैं, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान की पार्टी है, मगर आज विडंबना है कि जिन्होंने देश की आजादी में एक नाखून तक नहीं कटवाया, वे आज देशभक्ति के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस मौके पर विधायक अमित चाचान ने कहा कि 40 साल में जितना विकास कार्य नोहर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, उतना 4 वर्षों में हुआ है। फेफाना को उप तहसील बनाने के अलावा पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करवाकर थाना बनाया गया। नोहर फीडर की रेलाइनिंग के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया। विधायक अमित चाचान ने कहा कि प्रत्येक बजट में नोहर विधानसभा क्षेत्र को विकास की अनेक सौगात मिली है। सफाई आयोग के अध्यक्ष व अभियान के जिला संयोजक जय किशन जेदिया ने कांग्रेस को विकास का पर्याय बताया। पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने कहा कि एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं जिसमें विकास कार्य ना हुए हो। देखिए, आपने पिछला बजट भी देखा है, मुख्यमंत्री जी के जो पिछले 4 बजट है वो भी रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हुए, और जो पिछले बजट में हमारी घोषणा थी वो आप खुद, आप तो टीवी के हैं, पत्रकार हैं, आप जाके देख सकते हैं, रोडे बन रही है। जहाँ हॉस्पिटल की घोषणा थी वहाँ हॉस्पिटल बन रही है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर नफरत बांट करके चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने खुद ने कोई विकास किया नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी 3500 किलोमीटर, कि इन लोगों ने तो नफरत के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता, और झूठ बोलने में मास्टर है, क्योंकि इन्होंने कुछ गोदी मीडिया बना लिया, जो चाहे वो चीजें ये छपवाते हैं, उससे क्या पूरे देश का वातावरण दूषित हो गया। इसलिए मैं तो चाहूंगा मीडिया से कि आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी में, आप सच्ची बात उठाएं। अगर हमारी मात्र घोषणा रह जाए तो भले ही उठाओ आप, लेकिन इनको पूछो कि आपने केंद्र में आके क्या किया। आपने विकास के रास्ते रोक दिए, महंगाई चरम सीमा पर है, संवैधानिक संस्थाएं, रेलवे, BSNL, आपका एयरपोर्ट, LIC सारे आपने बेच दिए, और आपका जो अडानी है आज आपका शहर इसका बिल्कुल गिर चुका है। मोदी जी का खास मित्र है, और मोदी जी की ये हालत है कि पार्लियामेंट में एक शब्द उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। इसलिए हमारे देश के डेमोक्रेसी को मोदी और अमित शाह से भयंकर खतरा है। मैं तो ये चाहूंगा कि 2024 में इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ने का मतलब यह है कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका मूल कारण है कि इन्होंने सारे प्रजातंत्र के रास्ते बंद कर दिए। तो हमारे इसके 2-3 कारण है। एक तो महंगाई खत्म हो, दूसरा हमारा कि बेरोजगारी समाप्त हो। जो इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात की थी, और आज ये एक जगह रोजगार नहीं दे रहे क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, तो नौकरियां तो खत्म हो गई। तीसरा, ये जो नफरत बांट रहे हैं उससे हमारे देश का वातावरण दूषित हो रहा है। इसलिए हमारे 2 मकसद है, एक तो जो ये इन्होंने वातावरण दूषित किया है और ये फेलियर हुई है केंद्र सरकार, एक तो उन मुद्दों के बारे में बताना, और दूसरा जो 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी जो विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए उसका प्रसार करना। आप देख रहे हैं कि आज बिजली भी कर दी, पहले 50 यूनिट थी, आज 100 यूनिट कर दी, 2000 यूनिट किसानों को ट्यूबवेल पे फ्री कर दी, सिरिंजी योजना में 10 लाख से 25 लाख, जो लोग इलाज कराने में अपने घर का गहना बेचना पड़ता था आज मुफ्त में इलाज, और गांव के अंदर प्रत्येक के अंदर एम्बुलेंस दे दी, शहर में जाओ आपको 8 रुपए के अंदर आज इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है, आपको रोजगार जो था वो भी 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया। तो जो अशोक गहलोत जी की